ये है हेमजी ज्वेलर्स, नया सड़क, बिजिएस्ट रोड इन कटक सिटी एज यू नो। और मैं आ चुकी हूँ नया सड़क हेमजी ज्वेलर्स, फेमस फॉर गोल्ड एंड सिल्वर। यहाँ का मेरा बहुत सारा वीडियो है। ये आप देख सकते हैं बैग सिल्वर का, और जनरली लेदर बैग लेते हैं, ये लेते हैं। ये यूनिक बैग है सिल्वर का, और इसमें प्रेशियस सेमी प्रेशियस स्टोन लगा हुआ है। ये हैवी है, ये कम से कम आता है कितना वेट का, ये सबका वेट क्या है? इसका वेट है 460 ग्राम। इसमें आप मोबाइल वगैरह सब कुछ रख सकते हैं, और साड़ी के साथ, लहंगे के साथ, हर चीज़ में। ये हैंडल है, बहुत सारे डिज़ाइन आते हैं। ये डिज़ाइन है जिसमें एक हैंडल है, ये ऑक्सीडाइज है। इसका वेट आएगा कम से कम 485 ग्राम्स का, मतलब कितना पड़ेगा अगर इसको हम कटवट करें तो? ये 35,000 का आएगा आसपास। ये एक प्रीशियस चीज़ है, फैशनेबल चीज़ है, आप एक खरीद के रख ही सकते हैं। इसका रीसेल वैल्यू है, इसको वापस भी कर सकते हैं, अभी ले सकते हैं इसके बदले। इसका और एक भी डिज़ाइन है स्मॉल साइज का, पूरा डिटो दिख रहा है जैसे बैग आते हैं। इसका आएगा वेट कम से कम 250 ग्राम। ये 250 ग्राम्स का है, ये भी खुलता है अच्छी तरह से। और अगर आपको सिल्वर फिलिग्री लेना है, फिलिग्री वॉक मैं पहनूँ, आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। मैं दोबारा आपको दिखा रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा बिकता है। अगर आपको चाहिए तो हेमजी ज्वेलर्स नया सड़क पे आइए। ये कम से कम है 363 ग्राम्स का, थोड़ा हैवी है। फिलिग्री वर्क आप देख सकते हैं कितना सुंदर जाली वर्क हो रखा है, और इसमें आप कुछ अच्छा सा चीज़ डाल के शादी पे वगैरह में ले सकते हैं। बहुत अच्छा है, चेन लगाने से अच्छा दिखेगा, हैंग कर सकते हैं। अगर आपको छोटा सा चाहिए हाथ में पकड़ने के लिए, ऐसे पाउच की तरह स्टाइलिश, ये आएगा आपका 137 ग्राम्स का। ऐसे हैंडल करके आप ले सकते हैं, इसमें कुछ भी डालिए, कॉइंस या ये आप मुझे बताइए कमेंट करके आप इसमें क्या डालें। इससे और भी छोटा वेट का आता है, ये है आपका 90 ग्राम्स, ये 90 ग्राम्स में है। ये सब का रीसेल वैल्यू है, आप कभी भी आप लें तो इसको कन्वर्ट करके कुछ भी ले सकते हैं, ये काला नहीं पड़ेगा। यहाँ का सिल्वर बहुत अच्छा है, मैं पर्सनली खरीदती हूँ। आपको कौन सा पसंद आया आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। अगर आपको और भी कुछ देखना हो तो वो भी कमेंट करके बताइए, और डू सब्सक्राइब माई चैनल कलर टॉप 10। बहुत ही खूबसूरत है।